हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी मैथ की बुक का चैप्टर 10 का एक्सरसाइज 10.4 को स्टडी करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले स्टडी करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ। पहला, फिल द सर्कल है, सर्कल को फिल करना विद करेक्ट साइन, करेक्ट साइन के साथ। ठीक है, तो आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है, देखो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। 4/7 सर्कल 2/3। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले 4 और 3 का मल्टीप्लाई, मतलब इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे। तो 4 × 3 और 7 × 2, तो 4 × 3 = 12 और 7 × 2 = 14। तो कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा, इधर वाला बड़ा है 14 बाई ये वाला, तो इधर जाएगा ये साइन। ठीक है, इस तरह सेकेंड वाला देखो, आपको भी समझ नहीं आया होगा। 7/8 4/5। ठीक है, देखो 7 का मल्टीप्लाई हम 5 से करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। तो देखो 7 का मल्टीप्लाई 5 के साथ कितना आ गया, 35। इस 7 वाले का 35। अब 4 वाले का देखते हैं, 4 × 8 32। कौन सा बड़ा है, 4 वाला, तो साइन किधर जाएगा, इधर। ठीक है, इस तरह आपको ये सारे क्वेश्चन कट लेंगे। पहले का साइन किधर था, इधर था, दूसरे का भी साइन इधर था, आपको इस तरह करने है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, आप फाइंड द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर। हमें सबसे छोटा डिनोमिनेटर देख के ये पता करना है कि उसका स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, हमें स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन को फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा हो उससे। अब देखो, हमने हमारा जो लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर होगा, अगर जैसे एग्जांपल देखते हैं एक, ठीक है, पहले एग्जांपल देखते हैं, अगर 4/5 है एंड 4/7 है। ठीक है, और वो लाइक टर्म है, जैसे ऊपर वाले न्यूमरेटर जो है, जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर कैसा है, लाइक है, मतलब न्यूमरेटर है वो कैसा सेम है, और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कैसा अनलाइक, डिफरेंट, अलग अलग है। ठीक है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा, मतलब जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा, ग्रेटर होगा, वो सबसे छोटा होगा, कैसा होगा, स्मॉलेस्ट होगा। डिनोमिनेटर ग्रेटर तो स्मॉलर, स्मॉलेस्ट होगा। ठीक है, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन वही है। अब देखो, आप यही बता दोगे इसे कैसे, हमें बताना है लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर। सबसे, अब देखेंगे सबसे बड़ा डिनोमिनेटर किसका है, नीचे वाले का। ठीक है, ऊपर सेम है तो नीचे इसका, तो ये वाला हमारा हो गया स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। अब देखो इसमें अनलाइक फ्रैक्शन दे रखे हैं। ठीक है, अब अनलाइक वाले के लिए देखते हैं स्टूडेंट। देखो अब क्या है, अनलाइक आ गया, ये भी अनलाइक है, ये भी अनलाइक। तो अनलाइक वाले हम देखेंगे सबसे छोटा वाला, सबसे छोटा कौन सा रहा है, ये। ठीक है, इसमें देखेंगे ये, इसी तरह आपको ये आगे के क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, इसमें ये छोटा है ना 27, इसलिए 27 लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर हो गए। विच इज़ ग्रेटेस्ट, कौन सा ज़्यादा ग्रेटेस्ट, यूज़ द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को यूज़ करके हमें बता रहा है कौन सा ग्रेटेस्ट है, कौन सा स्मॉलेस्ट है। ए 2/8, 5/12। ठीक है, हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम कैसे लेंगे, कि नीचे वालों को मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 8 और 12, पहले 8 और 12 का एलसीएम लेंगे, कितना हो गया, 96 आ गया। अब देखो 2/8 को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 96 को, हो जाए 2/8 = 2/8 मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे 96, मतलब 12 का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे दोनों तरफ,
ये 24/96, सेकेंड वाला क्या 5/12, तो 5/12 मल्टीप्लाई कितने करेंगे 8 का। अब कौन सा बड़ा है, ये वाला कौन सा बड़ा 40/96, तो हम लिख देंगे इसमें कौन सा ग्रेटेस्ट आ गया हमारे पास 40/96 इज ग्रेटेस्ट, ग्रेटर सॉरी 40/96 किसका था 5/12 का, 5/12 इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, इस तरह सारे क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर है, अरेंज द फॉलोइंग इन द असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, फाइव वाला सॉरी फोर वाला, तो फोर वाले का एक क्वेश्चन देखिए 2/3, 3/5 एंड 5/9। पहले सबके जो डिनोमिनेटर है उन्हें सेम कर लेते हैं तो हमारे लिए इजी पड़ेगा। एलसीएम लेंगे सबका पहले 3, 5, 9 मल्टीप्लाई कर लो तीनों का आपस में 15, 59 जा 135। ठीक है, अब नीचे सबके डिनोमिनेटर में 135 को बना दो, कैसे बनाएंगे 2/3 इसके 2/3 मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 45 से ऊपर और नीचे, तो कितना आ गया 135/90। ठीक है, तो अब क्या है 3/5 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, सॉरी 5 वाले छोड़ो 27 से मल्टीप्लाई कर दो 135/ ऊपर कितना आ गया 81। ठीक है, अब क्या है 5/9, तो 5/9 में मल्टीप्लाई किससे करेंगे 15 का, तो कितना आ गया 135/। अब देखो सबसे बड़ा कौन, सबसे छोटा कौन सा है, ये वाला, उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा, तो हम ले रहे हैं कौन कौन से बड़े बड़े आ गए, पहला ये कितना 5/9 का, फिर आएगा 3/5 एंड देन 2/3, ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। इसी तरह हमें डिसेंडिंग ऑर्डर का देखते हैं अगला, आपको सारे क्वेश्चन करने हैं स्टूडेंट्स। नंबर 5 का ए 9, 11, 9, 11, 11, 17 और 13, 23। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, किसमें करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो पहले हम एलसीएम निकालेंगे इसका, कैसे निकालें 11 × 17 × 23। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया 2921। ठीक है, इन तीनों मल्टीप्लाई करने के बाद अब देखो 9, 11 को कैसे हम करेंगे 9/11 मल्टीप्लाई, देखो 11 से 11 वाले को छोड़ देंगे, इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 17 और 23 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 391, तो नीचे तो बन जाएगा 2921, ऊपर 9 9 9 9 2 9 9 81 1 8 कैरी 37 30 32 33 34 35, ये आ गया 3519। अब क्या करेंगे 11/17 का, तो 11/17 मल्टीप्लाई 17 को छोड़ेंगे 11 और 23 का मल्टीप्लाई करेंगे तो और कितनी आ जाएगा 253 मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का आपस में, नीचे वाला 2921 हो जाएगा और ऊपर वाले का मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है, कितना आ गया 27 2783। अब क्या करेंगे 13/23, तो 13 मल्टीप्लाई कितने का किया इसे बनाने के लिए, इसे छोड़ दो इन दोनों का 11/17 × 127। ठीक है, तो 12921 इन दोनों मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ गया 1651। अब देखते हैं स्टूडेंट कौन सबसे बड़ा कौन सा है, पहला सबसे बड़ा है ये वाला 35/19, 2921 कॉमा, उससे छोटा, तो
इसका कौन सा है, 9/11, 11/17 एंड 13/23, ये आ गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह आपको सारे क्वेश्चन करने होंगे। अब लास्ट क्वेश्चन है एक, वो देखते हैं। देखो स्टूडेंट क्या कह रहा है, किसान अ फार्मर ग्रो वीट, उसका वीट ऑन 2/15 हिज लैंड, अपने लैंड में 2/15 पार्ट में उसने क्या करिए वीट करिए एंड शुगर कैन करे हैं 13/15 लैंड में, विच क्रॉप डज ही ग्रो मोर, तो कौन सी क्रॉप ज़्यादा है वो बतानी है हमें। डिनोमिनेटर सेम है, देखो क्वेश्चन उसने क्या किया है, फार्मर ग्रोज वीट ऑन 2/15 ऑफ हिज लैंड, ठीक है, एंड ही ग्रोज शुगर कैन ऑन 13/15 ऑफ हिज लैंड, उसने इतने पार्ट में क्रॉप की वीट की है इतने पार्ट में शुगर कैन, तो देखें कौन सा ज़्यादा है, तो 2/15 इसी को कॉमा 13/15, तो देखो डिनोमिनेटर सेम है तो कौन सा बड़ा है ये वाला, तो 13/15 चलेंगे शुगर कैन इज मोर ग्रो, ठीक है, कौन सी है शुगर कैन उसने ज़्यादा ग्रो की है, या आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते हैं स्टूडेंट। देखो इधर 2/15 और 13/15 इसका 2 × 15 एंड 13 × 15 जिसका ज़्यादा है उससे लिख देगा, ठीक है, ये दो तरह से बता दिए मैंने आपको। आपके एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ, चैप्टर कंप्लीट हुआ, थैंक यू स्टूडेंट्स।